हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी को फिर से न्यू वीडियो पे। तो आज के वीडियो पे मैं एक बो बनाने जा रहा हूँ जो कि है सबसे ज्यादा पावरफुल पूरे माइनक्राफ्ट पे। तो भाई चलो, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग ना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और भाई देखो, आज कुछ दिनों से मेरा एग्जाम चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि थोड़ा छोटा टाइप का वीडियो आएगा, तो ये वीडियो भी बहुत ज्यादा ही छोटा होगा। तो देखो, मैंने सोचा था कि मैं इस वाले वीडियो पे वीदर को मारूं, लेकिन भाई मैंने एक चीज सोची कि देखो, मेरे पास यहाँ पर नेदरराइट का मैंने सब कुछ बनाया है, लेकिन मेरे पास एक पावरफुल बो नहीं है जिससे मैं लॉन्ग रेंज फाइट कर सकूं। तो अभी मुझे लॉन्ग रेंज फाइट करने के लिए एक बो चाहिए होगा, और नॉर्मल बो से भाई कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और वीदर भाई बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सो जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हो या फिर वीडियो देखते हो, भाई उन लोगों को पता ही है भाई वीदर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और भाई उसको अगर मैंने यहाँ पर रखा तो भाई ये कुछ किसी भी चीज को मार देगा, मतलब मेरा आयरन गोल में उस पर कोई भी काम नहीं आएगा। तो भाई आप लोग समझ सकते हो ये बहुत ज्यादा डेंजरस, और मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। सो देखो, सबसे पहले तो हम लोग को बता दूं कि एंचेंटमेंट के लिए मुझे थोड़ा बहुत बुक्स चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर ओके पंच टू मिल गया, ओके ओके फ्लेम भी यहाँ पर है, अनब्रेकिंग भी चाहिए होगा, ओके 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 भाई। यहाँ पर मेंडिंग, अच्छा मेंडिंग, अच्छा इन्फिनिटी मैंने लिया क्या? अच्छा इन्फिनिटी यहाँ पर है, इन्फिनिटी भी ले लेता हूँ। भाई सब कुछ ही तो मिल गया। तो भाई चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर चार बुक हम लोगों को फिलहाल के लिए तो मिल गया है। सो अभी मुझे ना देखना पड़ेगा और कोई मेरे पास यहाँ पर बुक वगैरह होगा कि नहीं। अच्छा वैसे और बुक होने का कोई चांस तो नहीं है। सो मेरे पास शायद बो नहीं है, ठीक है, मतलब हो सकता है कि टूटा फूटा बो हो सकता है मेरे पास। ओके ये देखो, एक टूटा फूटा बो है, और भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो अभी क्या करता हूँ मैं ना, बो बना लेता हूँ, एक न्यू बो बना लेता हूँ। थोड़ा टूटा फूटा तीन चार बो रहता तो एक साथ लगा के मैं इसको सही कर पाता, लेकिन हम लोग क्या है कि गाइस बो पे हम लोग मेंडिंग नहीं लाएंगे। मेंडिंग से क्या होता है, हम लोग जब एक्सपी गेन करते, एक्सपी हम लोगों के यहाँ पर जो एक्सपी बाहर यहाँ पर देख रहे हो इस पे ऐड नहीं होता, वो ऐड होता है डायरेक्ट हम लोगों के बो पे। बो नहीं मतलब जिसपे मेंडिंग लगा होगा उस पे होगा, ठीक है, मतलब उसका हीलिंग हो जाता है। तो चल मैं काम करता हूं, मैं ना यहां पर बो बनाने का चीजें सब ले लेता हूं। A few inches later. चलो राइट गाइस, मैं आ गया हूं यहां पर नीचे अपने यहां पर लाइब्रेरी हॉल पे। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा यहां पर, ओके स्टिक भाई, अच्छा रुक जाओ, ऐसे लगाना होता है, उसके बाद स्ट्रिंग मैंने ऐसे लगाया। तो आ गया भाई हम लोग का एक न्यू बो। सो ये जो बो है, इस बो को हम लोग यहाँ पर करेंगे एंचेंट। सो देखो यहाँ पर मैंने एनविल पहले लगा के रखा था, ठीक है, ऊपर एक और अलग रूम है जहाँ पर एनविल रखा हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पर ही कर लेता हूँ, ठीक है। सो देखो सबसे पहले बो पे देते हैं, यहाँ पर कहा गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं पहले देते हम लोग अनब्रेकिंग 3, ओके चलो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देते फ्लेम, भाई फ्लेम से क्या होता है हम लोग, मैं अभी सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। पंच मैंने दे दिया, अभी भाई साहब यहाँ पर देखो एंचेंटमेंट कॉस्ट 11 दिखा रहा है। सो भाई अभी क्या करना है मुझे पता है। सो एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है ना ये सब बेकार का सामान यहाँ पर रख देता हूँ, और मैं अभी कहाँ पर जाऊँगा पता है, अभी मुझे जाना है उसी जगह पर जहाँ पर मैंने बनाया था अपना एक्सपी फार्म। सो भाई चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा एक्सपी फार्म कैसा है और कितना ज्यादा एक्सपी देता है। चलो भाई, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ये लाया था गन पाउडर, उसके बाद मैंने यहाँ पर पेपर लेके भाई बना दिया है पूरा यहाँ पर कुछ रॉकेट्स। तो चलो भाई अभी मैं चलता हूँ अपने एंड वर्ल्ड पे। तो भाई चलो एंड पे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा एक्सपी फार्म कैसे काम करता है और कितना ज्यादा ज्यादा चीजें देता है। सो भाई चलो पहले मैं पहुंचता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। All right, guys, चलो तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ओके अरे भाई यार मैं गिर गया, ओके ओके चलो कोई नहीं, अभी मैं चलता हूँ इस साइड से। ऑलराइट गाइस, चलो मैं अंदर भी आ गया हूँ, और अभी मुझे जो करना है वो है कि स्ट्रेट मुझे जाना है यहाँ पर। सो चलो यहाँ से मैं चलता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास पोर्टल इस साइड पे है, मुझे पता है अच्छे से। तो भाई चलो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ओके सो अभी चलते भाई चलो। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अभी मुझे जो करना है वो है कि अरे भाई रुक जाओ। सो मुझे अभी जो करना है वो है कि, अच्छा भाई मैं भूल ही गया था कि मेरा वो जो ये है ना यहाँ पर ही है। तो भाई मैं यहाँ पर बेकार में ही आ गया। ऑलराइट गाइस, तो भाई देखो यहाँ पर आते ही भाई देखो भाई मेरा यहाँ पर इन्वेंट्री देखो पूरा फुल हो गया सिर्फ यहाँ पर एंडर पर्ल से भाई। और भाई ये देखो इन लोगों का आवाज बहुत ज्यादा है। सो देखो अभी मेरा जो एक्सपी है वो है 10, ठीक है। सो अभी देखो एक बार मारने से कितना आता है। ऑलराइट भाई देखते, ठीक है भाई देखो कैसे आ रहा है भाई। ओके ओके चलो भाई 14, चलो भाई बहुत, अब लोग देख सकते हो कितना स्पीड से यहाँ पर बढ़ रहा है। सो मतलब आप लोग समझ ही सकते हो, ठीक है, कि इसका भाई कितना ज़्यादा एक्सपी आता है। और देखो ये अनलिमिटेड टाइम आते रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कम हो जाएगा, ये अनलिमिटेड टाइम देखो गिरता ही रहेगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये गिरता ही रहेगा। तो भाई देखो अभी मारता है, ओके चलो अभी एक साथ बहुत सारा मरा था, अभी देखो भाई एक्सपी कितने स्पीड से आ रहा है भाई। ओके ये भाई बहुत सही है। ऑलराइट गाइस, सो देखो ये बार मेरा 32 हो गया, मुझे लगता है 32 इनफ है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसलिए ना मैं यहाँ से चलता हूँ, और मैं अभी जाऊँगा सीधा मेरे घर पे। सो चलो यहाँ पर ही पोर्टल है, तो भाई अभी घर पे जाने के लिए कोई भी टाइम नहीं वेस्ट होगा।
अरे भाई चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं जाऊंगा इंचेंट करने के लिए, ठीक है। चलो भाई इस साइड से चलते हैं। ओके वैसे इंचेंटमेंट का रूम साइड पे ही था, मैं यहाँ पर क्यों आया मुझे भी नहीं पता। अभी जो है भाई देखो यहाँ पर इतना इंटर पड़ गया भाई, सब कुछ मुझे यहाँ पर रखना है। सब यहाँ पर आ नहीं जाएगा भाई, बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, चलो अपना बोल लेते हैं, अपना इन्फिनिटी लेते हैं। और यहाँ पर क्या क्या था, अच्छा इन्फिनिटी ही बाकी था क्या, और कुछ नहीं था। ओके चलो यहाँ पर इन्फिनिटी दे देते हैं। और भाई रुक जो मैं भूल गया था कि मेरे पास एक पावर 5 का बुक है, लेकिन अच्छा इसी की साइड पे मैंने शायद रखा था। ओ भाई सब चलो ये वाला था, तो भाई ये वाला मैंने ले लिया। और ये देखो ये मेरा इंचेंटमेंट रूम में बनाया था, लेकिन पता नहीं मैं इसको यूज क्यों नहीं करता। सो अभी मैं यहाँ पर देता हूँ, ये भी देता हूँ। कॉस्ट देखो भाई 20, भाई साहब इतना ज्यादा, मतलब मेरे पास अभी एक एक्सपी बचा रहेगा भाई। मैं बच गया कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपी यहाँ पर मैंने लेकर आया। तो भाई चलो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको ट्राई करूंगा। सोचे रुक जो, वैसे देखो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सभी जो एंजॉयमेंट है उसका काम। तो यहाँ पर देखो मुझे एरो चाहिए होगा, और एरो मुझे चाहिए होगा एक, क्योंकि भाई यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने इन्फिनिटी लगाया। इन्फिनिटी मतलब है भाई अनलिमिटेड आएगा। देखो देखो यहाँ पर एक इसको मार दिया, फिर भी देखो यहाँ पर एक एरो है, ठीक है। सो ऐसे ही भाई यहाँ पर ये इन्फिनिटी आता रहेगा। उसके बाद देखो पावर फाइव तो आप लोगों को पता ही है कि इसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और पावर 5 है इसका मैक्स एंचेंटमेंट, मतलब पावर का मैक्स एंचेंटमेंट पावर 1 से लेकर 5 तक होता है, और हम लोगों ने मैक्सिमम वाला लगाया यानी कि 5 वाला। उसके बाद देखो यहाँ पर फ्लेम तो भाई पता ही आप लोगों को ऐसे फ्लेम होता है। अच्छा रुक जाओ ऐसे नहीं दिखाएगा, ऐसे देखो ये जो आग लग गया ये चीज है। लेकिन भाई ये ही एक चीज है कि हम लोगों को ये वाला आग नहीं लगता, ठीक है। सो अभी देखो अभी कौन सा वाला है, पंच से क्या होता है भाई, अभी मैंने स्केलेटन को जो मारा ना, स्केलेटन मतलब पंच होके पीछे चला गया। सो जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैं किसी को मारूंगा तो वो मतलब पंच होके पीछे के साइड पे चला जाएगा, मतलब वो पूछ हो जाएगा। देखो भाई ये देखो कितने पीछे चला गया, ठीक है। सो ये जो चीज है, अच्छा इस पे नहीं लगा, रुक जाओ। अच्छा रुक जाओ, इसको भी मार के दिखाता हूँ। ये देखो भाई कितना दूर चला गया, ये देखो भाई कितना दूर चला गया, ये है भाई पंच का पावर। उसके बाद देखो अनब्रेकिंग 3, मतलब इसका एक्सपी जो है बहुत धीरे धीरे कम होगा। उसके बाद है भाई इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी मैंने पहले ही बता दिया। तो चलो ये जो चीज है, ये जो चीज है मतलब ये काफी सही चीज है, मतलब एक बो को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाता है। और भाई देखो अभी यहाँ पर सुबह भी हो गया, और ये बो मैंने बनाया इसलिए क्योंकि भाई देखो वो इधर से अगर हम लोग मारपीट करेंगे तो हम लोग को एक बो यानी कि एक लॉन्ग रेंज का वेपन चाहिए होगा, जो कि ये बो ही है। सो भाई अभी मैं क्या ही करूंगा, अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने पहले बता दिया कि मेरा एग्जाम चल रहा है, तो एकदम छोटा छोटा वीडियो वगैरह आएगा। फिलहाल देखो एग्जाम तो चल ही रहा है, लेकिन एग्जाम के साथ साथ ना मेरा थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से थोड़ा लेट होगा। मतलब मैं जितना एक्टिव रहने का कोशिश करूंगा, मैंने बोला था उतना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सितंबर तक फ्री हो जाऊंगा पूरा। तो भाई सितंबर से हम लोग डेली का वीडियो लाएंगे, मतलब अभी क्या है, अभी हम लोग एक दिन छोड़ के दे रहे थे कुछ दिन पहले तक, मतलब एग्जाम से पहले तक। तो इस अभी सितंबर में भाई डेली एक वीडियो आएगा। तो चलो भाई आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। आज के लिए गाइस टाटा बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।